सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो सच कहूँ तो आज मेरा वीडियो छोड़ने का बहुत मन था, इसलिए मैं वीडियो छोड़ रहा हूँ। वैसे भी मेरे 50 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं, फिर भी मुझे आज अच्छा लग रहा है। और मैं आज आपको एक ऐसे राज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस राज को सुन के आप लोग शॉक हो जाओगे। वो राज है तीनों बेबलेट सीरीज़ का एक कॉमन चीज़। वो कॉमन चीज़ में आज मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ जो हमारे वीडियो में दिखाया गया है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी मेरे वीडियो नए देख रहे हैं, मतलब न्यू व्यूअर्स हैं, वो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं कहना चाहता हूँ कि वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं। तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने ऑल सीरीज़ के वीडियोज़ ही देखे होंगे, जैसे ओरिजिनल सीरीज़ हो गया, मेटल सीरीज़ हो गया और बस सीरीज़। तो जितने भी ओरिजिनल सीरीज़ के फ़ैन हैं वो जानते हैं बेबलेट एसोसिएशन के बारे में, और मेटल सीरीज़ के फ़ैन भी बेबलेट एसोसिएशन के बारे में जानते हैं और बस फैन के भी जानते हैं। तो बेबलेट एसोसिएशन ही है जो तीनों बेबलेट सीरीज़ में होता है एक मिल, जिसमें हम ढूंढ के दिखाएंगे। तो ओरिजिनल सीरीज़ में जो BBA एसोसिएशन था, जिसका फुल फॉर्म था बेबलेड बैटल एसोसिएशन, उसके बाद जो बेगा एसोसिएशन आया उसे टाइसन और बाकी लोगों ने रोक दिया। उसके बाद मेटल फ्यूरी में जो आया WBBA एसोसिएशन, इसका मतलब होता है वर्ल्ड बेबलेड बैटल एसोसिएशन। झिंगा के डैड तब मैनेजर थे, झिंगा के डैड भी बेबलेड की दुनिया को पूरे वर्ल्ड में फैलाया था। उसके बाद भी हमें बस्ट सीरीज़ में बेबलेड के WBBA वाला एसोसिएशन ही देखने को मिला। आई होप कि न्यू जो बेबलेड का सीरीज़ कोई आए, 4 सीज़न को मैं नहीं लूँगा क्योंकि न्यू बेबलेट सीरीज़ को मैं लूँगा जो मतलब बस सीरीज़ के बाद आए, उसमें भी ऐसा ही कुछ WBBA रहे। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।